नाना सुगंधि भुजवाणी यदा कालोद भवानी च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणा परमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि यानि गानि च भावानि जन्मान्तरघृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ते प्रदक्षिणां पदे पदे गजानन्द भगवान् की जगदम्बमाध की काशी विश्वनाथ भगवान की ओंकार महंकाल भगवान की राजा रामचंद्र भगवान की भवन पुत्र हनुमान जी महाराज की सदगुरु देव भगवान की आज के आनंद की नमः पार्वतीदेवाय हर हर हेलो 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 भगवान मंगल मूर्ति की महाआरती संपन्न हो चुकी है। आज हमारे बीच एक दंत महाकाय भगवान मंगल मूर्ति की आरती है तो विशेष रूप से पधारी हैं हमारी अपनी श्रीमती आशा कैलाश जी विजयवर्गी, साथ हैं श्री विजय जी विजयवर्गी, श्रीमती मंजू विजय विजयवर्गी, हमारे अपने विधायक माननीय श्री रमेश जी मेहंदोला, प्रोफेसर श्याम सुंदर जी पलोट सपत्नी पधारे हैं। मैं सुमित मिश्रा जी से निवेदन करूंगा माननीय पलोट साहब को सपत्नी मंच पर लाने का कष्ट करें। इससे पूर्व जितने भी बालक बालिका हैं या फैंसी ड्रेस में पधारे, कृपया मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर जयकारा लगाएं, गणपति बप्पा गणपति बप्पा। बोलिए पूज्य मां कनकेश्वरी देवी की। कल के लिए विशेष सूचना, ये जितनी भी बालिकाएं हैं ये कल मां कनकेश्वरी देवी जी का रूप धारण करके पधारेंगी। जितनी भी बालिकाएं हैं फैंसी ड्रेस में, कल आप मां कनकेश्वरी देवी जी का रूप धारण करके पधारेंगी। सभी बालिकाओं ने सुन लिया, हाथ उठाएं अपने दोनों, बोलिए पूज्य मां कनकेश्वरी देवी की। और जितने भी बालक हैं पधारे हैं, वो जो कल फैंसी ड्रेस में पधारेंगे, माननीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का रूप धारण करके पधारेंगे। जितने भी बालक हैं वे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का रूप धारण करके पधारेंगे। मैं आगामी संचालन है तो माननीय सुमित मिश्रा जी को आमंत्रित करूंगा। धन्यवाद राजेश भैया।
विधायक रमेश मेंदुला जी से भी आग्रह करूंगा कि वे भी मंच पर आने की कृपा करें। आदरणीय राजेश भैया से आग्रह करूंगा कि वे आदरणीय दादा और चलो एक मिनट जरा सब लोग इधर बच्चों मेरी बात सुनो, बोलो भारत माता की, बोलो गजानन गणेश भगवान की, बोलिए मंगल मूर्ति भगवान की। मंचासेन सभी अतिथियों से मैं बताना चाहूंगा कि यहां पर प्रतिदिन लगभग 5000 बच्चों की फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता होती है आदरणीय श्याम भैया, और उसमें से 11 बालक और 11 बालिकाओं को जो अच्छी वेशभूषा में आते हैं उन्हें पुरस्कृत किया जाता है विशेष पुरस्कार से, और बाकी जितने प्रतिभागी हैं सबको पुरस्कृत किया जाता है। तो इसलिए मैं ये सब बच्चे रोज आते हैं और हम प्रतिदिन एक वक्ता को रोज आमंत्रित करते हैं जो यहाँ पर आकर गणेश उत्सव की प्रासंगिकता और गणेश उत्सव किस उद्देश्य को लेकर प्रारंभ किए गए थे इस बात को लेकर एक वक्ता हमारे बीच में हम प्रतिदिन आमंत्रित करते हैं, और यह हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है कि आज हमारे बीच में इंदौर के वरिष्ठ वक्ता कवि प्रोफेसर लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर पलोट जी हमारे बीच में उपस्थित हैं और साथ में उनकी पत्नी आदरणीय गायत्री पलोट जी भी उपस्थित हैं। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे आज के इन वक्ता हमारे आदरणीय श्याम सुंदर पलोट जी के लिए आप बजाएं। और मित्रों भारतीय जनता पर और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के माध्यम से अनेक बार राष्ट्रीय स्तर पर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का परचम लेकर जिन्होंने विजय श्री का वर्ण करते हुए हमारे इंदौर का मान बढ़ाया है, और अभी कई कवि सम्मेलनों में जाकर जो हमारी अहिल्या माता के इस इंदौर के गौरव को और बढ़ाते हैं, मैं ऐसे परम आदरणीय श्याम सुंदर भैया से आग्रह करूंगा कि वे हम लोगों को गणेश उत्सव की प्रासंगिकता के साथ साथ अटल जी के ऊपर एकाध कोई अच्छी सी कविता आप जरूर सुनाएं ताकि हम सब लोग अटल जी को और याद कर सकें। और मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों से आप आदरणीय श्याम भैया को आमंत्रित करें, जरा जोरदार ताली बजाइए सब लोग, बोलिए गजानन गणेश भगवान की। आइए श्याम भैया, परम श्रद्धे और न केवल इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 के लोकप्रिय विधायक अपितु पूरे मध्य प्रदेश के चप्पे चप्पे पर अपने पदचापों की आहट से अनेकानेक जन समुदाय को लाभान्वित करने के लिए और उनके विभिन्न विभिन्न कार्यों को निष्पादित करने के लिए निरंतर निर्बाध गति से सक्रिय आदरणीय रमेश जी मेंदोला साहब, हमारे बीच आदरणीय आशा भाभी विराजित है, उनके श्री चरणों में भी नमन करता हूँ। परम श्रेष्ठ गुरुवर आदरणीय कालीचरण जी महाराज साहब भी विराजित है, उनके श्री चरणों में भी नमन करता हूँ। और ये जो फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता यहाँ प्रतिदिन जिन विद्यार्थियों जिन छोटे छोटे से बच्चों के लिए की जाती है उसमें विभिन्न रूपों में आज ऐसा प्रतीत हो रहा, आदरणीय कैलाश जी के रूप में भी इधर एक बालक बैठा हुआ है, अटल जी के रूप में भी बालक बैठे हुए हैं। मित्रों ये वर्ष भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी जी वाजपेयी के स्मरण का वर्ष है, उन्होंने इस देश को 3 बार प्रधानमंत्री रहते हुए नवाजा है। ये सच है कि वो 13 दिन भी प्रधानमंत्री रहे, वो 11 महीने भी प्रधानमंत्री रहे, वो 5 वर्ष भी प्रधानमंत्री रहे, मगर वो ऐसे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इस देश में अपनी साम्राज्यशाही न केवल स्थापित की अपितु अपनी बल पर अपने नेतृत्व को इस तरह से इस देश के लिए दिया जिस तरह से
उनमें शांति और अमन का पैगाम भी था, तो उनमें पोखरण के शक्तिशाली विस्फोट का संदेश भी था। ऐसे स्वर्गीय प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी को हम स्मरण कर रहे हैं। उनके व्यक्तित्व की एक खासियत थी, जब गुरुजी जन्म शताब्दी वर्ष के तहत एक स्मारिका का प्रकाशन हुआ था, समरसता करके एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, उसके आमुख पर पूर्व सरसंचालक जी ने एक बहुत खूबसूरत टिप्पणी की थी, जिसमें बताया गया था कि नर चार प्रकार के होते हैं, एक नर पिशाच, एक नर पशु, एक नर और एक नरोत्तम। प्राचीन काल में एथेंस में एक पिंजरे में एक शेर को, भूखे शेर को डाल दिया जाता था, उस पिंजरे के अंदर कैदियों को भी डाल दिया जाता था, पिंजरे के चारों ओर लोग कुर्सियां लगाकर बैठ जाते थे, वो भूखा शेर उन कैदियों की बोटियां नोच नोच कर खाता था, बाहर बैठे हुए लोग तमाशाबीन बनकर तालियां बजाते थे, उपहास उड़ाते थे, ऐसे लोगों को नरपिशाच की संज्ञा दी गई। और नर पशु, यदि कोई गरीब भूखा बच्चा किसी खाते पीते व्यक्ति से रोटी की गुहार करे, वो खाता पीता व्यक्ति उस गरीब बच्चे को रोटी का टुकड़ा इस तरह से फेंक कर दे जैसे किसी कुत्ते के पिल्ले को रोटी का टुकड़ा फेंक कर दिया गया हो, वो गरीब बच्चा उस रोटी के टुकड़े को झपट कर खाए और वो देखने वाला व्यक्ति उसको देख कर उसका उपहास उड़ाए, तालियां बजाए, ऐसे व्यक्ति को नर पशु कहा गया। और नर यानी भगत सिंह तो पैदा हो मगर पड़ोसी के घर में, जिसके मन में मानवता तो है मगर स्वार्थ से परिपूर्ण, ऐसे लोगों को नर कहा गया। और एक होता है नरोत्तम, जो पारमार्थिक प्रयोजनों के साथ जन समुदाय के लिए जुटा रहे, जैसे अपने दादा दयालु आदरणीय रमेश जी मेंदोला साहब ने जितने पारमार्थिक प्रयोजन इस शहर में, इस प्रदेश में, इस देश में किए हैं, ऐसा को मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई राजनीतिक के पूरे प्रदेश में होगा। कैलाश जी रमेश जी को छोड़कर धार्मिक प्रयोजनों में, पारमार्थिक प्रयोजनों में जुटे रहने वाले राजनीतिक पूरे देश में कहीं नहीं मिलते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि अपने शहर के ऐसे राजनीतिक जिन्हें हम नरोत्तम की संज्ञा दे सकते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर हमारे नरोत्तम दादा दयालु के सम्मान में, ऐसे नरोत्तम व्यक्तित्व के धनी थे स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी वाजपेयी। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी में बहुत सारे अवसरों पर अपने विचार से, अपने संस्कार से, अपनी वाणी से, अपने व्यक्तित्व से लोगों को आकर्षित और प्रभावित कर सके, ऐसे व्यक्तित्वों में अटल बिहारी वाजपेयी शुमार थे। गणेश जी के स्थापना के अवसर पर मैं उनका स्मरण इसलिए करना चाहता हूं कि जब महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की स्थापना और बहुत धूमधाम से गणेशोत्सव मनाने की परंपराएं प्रारंभ हुई, तब पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री रहते हुए अटल जी उस महाराष्ट्र के गणेशोत्सव में न केवल शामिल हुए, अपितु उन्होंने लोकमान्य तिलक की परंपराओं को सम्मान देते हुए, उनके सम्मान में अपनी वाणी से विचार व्यक्त करते हुए उन्हें गौरवान्वित किया। ऐसे व्यक्तित्व जो गणेशोत्सव की प्रासंगिकता के अवसर पर भी उनकी प्रासंगिकता को भी स्वीकार करते हो, ऐसे स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल जी को हम नमन करते हैं। मैं उनमें और हमारे विधायक जी आदरणीय रमेश जी मेंदोला साहब में एक समानता पाता हूं, वो भी युवा थे, ये भी युवा हैं, क्योंकि युवा की कोई उम्र नहीं होती। युवा शब्द के अक्षरों को उल्टा कर दो तो वायु हो जाता है, जैसे वायु वातावरण में भ्रमणशील होती है, पूर्व की परिपक्वता से लगाकर पश्चिम की पुनर्रचना तक, उत्तर की उत्तरापेक्षा से लगाकर दक्षिण की प्रदक्षिणा तक युवाओं का साम्राज्य है। युवा केवल स्वप्न दृष्टा ही नहीं बल्कि युग निर्माता भी साबित हो रहा है। युवा क्रीड़ांगन का सिरमौर ही नहीं बल्कि समरांगन का रणबांकुरा भी है। युवा कल्पना और सुनीता के रूप में अंतरिक्ष विजेता ही नहीं बल्कि एआर रहमान के रूप में वंदे मातरम का नया सांगीतिक उद्घोष भी है। युवा युवराज के बल्ले का विस्फोट नहीं बल्कि मित्तल की लोहा मनवाती चोट भी है। और युवा कारगिल पर लहराता तिरंगा ही नहीं बल्कि विश्व सुंदरी का ऐश्वर्य ताज भी है। और ऐसे युवाओं पर हमको नाज भी है। मैं अटल जी और आदरणीय दादा के लिए
चार पंक्तियों की कविता युवा को लेकर आपके बीच रखना चाहता हूं कि विचारों के उबलते हुए ज्वालामुखी का लावा है युवा, शक्ति के दुग्ध की तपन से तपा हुआ मावा है युवा, सोए हुए सांप को छेड़ने की फंकार है युवा, स्वर संगीत और वाद्य की वीणा की झंकार है युवा, एवरेस्ट से ऊंची चट्टान है युवा, गव्वर से गहरी खान है युवा, सागर के ज्वार भाटों और थपेड़ों से युक्त तूफान है युवा, और असंभव को संभव बना देने का आह्वान है युवा। ऐसे युवा ने उन्हें नेतृत्वकर्ताओं को नमन, आप सभी को गणेशोत्सव की बधाई। धन्यवाद आदरणीय श्याम भैया, ये एक पर्स मेरे को आनंद पुरोहित जी ने लाके दिया है जो पूरा खाली हो चुका है। आनंद भाई किसका है? जिसका भी हो आनंद पुरोहित जी से ले जाना, इसमें कुछ भी नहीं है वैसे, ये लो। आदरणीय रमेश जी और मंचा सिंह, सभी अतिथियों से आग्रह करूंगा कि वे व्यास पीठ का पूजन करें। आदरणीय आशा भाभी, आदरणीय श्याम भैया साहब पत्नीक, आदरणीय मंजू भाभी, आदरणीय विनय भैया, आदरणीय हमारे साथ टीआई साहब के यहाँ से भी राहुजी बाजार टीआई के वहां से भी भाभी जी हैं वे, आदरणीय ओम शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हरप्रीत बख्शी जी, आनंद पुरोहित जी, सुजान शेखावत जी, आदरणीय राजेश श्रोलकर जी, आदरणीय चंदूराव सिंधे जी, सभी लोगों से आग्रह करूंगा, आदरणीय रमेश मेंदुला जी, कि आप सभी व्यास पीठ का पूजन कर। दादा आप भी आओ ना बेटा, आदरणीय राजेश चौहान जी, राजेश भैया, और ये माइक अब मैं आदरणीय राजेश चौहान जी को दे रहा हूं। आदरणीय राजेश चौहान जी, ये जितने भी बालक बालिका श्री गणेश मंदिर परिसर में बैठे हुए हैं, कृपया ध्यान दें, जितनी भी बालिकाएं हैं कल पूज्य माँ कनकेश्वरी देवी जी का रूप धारण करके पधारेंगी, जितनी भी बालिकाएं हैं कल पूज्य माँ कनकेश्वरी देवी जी का रूप धारण करके पधारेंगी, और जितने भी बालक हैं वह आदरणीय मनीषी जी श्रीवास्तव से निवेदन करूंगा कृपया मंच पर पधारें, पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद लें, माननीय श्री विजय मित्तल जी, माननीय श्री योगेश जी मिश्रा, माननीय योगेश जी मिश्रा मुन्ना भैया, माननीय श्री कीर्ति जैन साहब कृपया पधारें, पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद लें, माननीय प्रभाकर राव जी चोखंडे, माननीय पंडित चंद्र मोहन जी दुबे, माननीय पंडित नारायण जी शास्त्री, व्यासपीठ का ये आज की हमारी निर्णायक महिला अतिथियों का सम्मान भी हम इस मंच से करना चाहेंगे। मैं आदरणीय आशा भाभी से निवेदन करूंगा, आज की हमारी महिला अतिथि श्रीमती नलिनी चोखंडे, श्रीमती सुनीता चोखंडे, श्रीमती उर्मिला चौधरी, श्रीमती श्रद्धा रानी यादव, श्रीमती पिंकी शेखावत एवं श्रीमती द्रौपदी चौहान, इन सभी का आप सम्मान करें। आदरणीय आशा जी विजयवर्गीय, श्रीमती मंजू जी विजयवर्गीय, श्रीमती अनिता मित्तल, पार्षद श्रीमती पूजा पाटीदार जी, देवांग कोष्टी समाज की बहन श्रीमती सुशीला जी देवांग से निवेदन करूंगा, आप भी सभी हमारी महिला अतिथियों का सम्मान करें।
सभी पूरी महिला मंडल, देवांग कुश्ती समाज की सभी महिला मंडल की मैं मातृशक्ति से निवेदन करूंगा, पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद लें। ये जितने भी श्रीमती सीता देवी कल्याण देवांग जी से निवेदन करूंगा, पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद लें। ये हमारे बीच जो 11 बालक और बालिकाएं हैं, हम इनका सम्मान करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं बालकों को आमंत्रित कर रहा हूं, आदरणीय आशा भाभी जी से निवेदन करूंगा, कृपया मंच के बीच में आ जाएं। आदरणीय अग्रवाल जी आप भी आ जाएं। हरप्रीत सिंह जी बख्शी, कीर्ति जैन साहब, विजय मित्तल जी, हमारे अपने विधायक माननीय श्री रमेश जी मेंदोला, सर्वप्रथम आमंत्रित कर रहा हूं। धनराज वाधवानी, ये माननीय श्री कैलाश जी का रूप धारण करके पधारे हैं। वेदांश मालवीय, ये माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी का रूप धारण करके पधारे हैं। माननीय रवि चौहान, सुभाष चंद्र जी बोस का रूप धारण करके पधारे हैं। दीपेश यादव, भारत माता का रूप धारण करके पधारे हैं। ये सभी के बालक बालिकाओं के अभिभावकों से निवेदन है, कृपया ये बच्चे विशेष पुरस्कार प्राप्त कर यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। भाई संभाजी गुंजाल पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद ले रहे हैं। भाई माननीय अनुसी बुंदेला, वामन अवतार का रूप धारण करके पधारे हैं। प्रतीक कुशवाहा, भरजी का रूप धारण करके पधारे हैं। आयुष निगम, अर्धनारीश्वर भगवान का रूप धारण करके पधारे हैं। युवराज शर्मा, शिवाजी राव महाराज का रूप धारण करके पधारे हैं। रवि माठे, गरुड़ भगवान का रूप धारण करके पधारे हैं। आशीष चौधरी, सुदामा जी का रूप धारण करके पधारे हैं। बसंत कुशवाहा, स्वामी श्री विवेकानंद जी का रूप धारण करके पधारे हैं। काशी मौर्य, कामाख्या देवी का रूप धारण करके पधारे हैं। गोपी चौहान, न्याय की देवी का रूप धारण करके पधारी हैं। फाल्गुनी सितारे, दुर्गा माता का रूप धारण करके पधारी हैं। खुशी कैथवास, विष्णु भगवान का रूप धारण करके पधारी हैं। मानसी विनायक, कार्तिकेय जी का रूप धारण करके पधारी हैं। वैष्णवी कोष्टी, माँ महाकाली का रूप धारण करके पधारी हैं। सिया शर्मा, तुलजा भवानी का रूप धारण करके पधारी हैं। रोशनी भंडारी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक का रूप धारण करके पधारी हैं। खुशबू साहू, श्रीमती आशा जी विजय वर्गी का रूप धारण करके पधारी हैं। राधिका सोलंकी, महालक्ष्मी का रूप धारण करके पधारी हैं। और नेहा विश्वकर्मा, श्री हनुमान जी महाराज का रूप धारण करके पधारी हैं। इन सभी बालक बालिकाओं का हमारे पधारे हुए अतिथि माननीय पलोट साहब ने सपत्नी माननीय विनय जी अग्रवाल ग्वालियर से पधारे हैं। उन्होंने हमारे अपने विधायक माननीय रमेश जी मेंदोला, माननीय हरप्रीत सिंह जी बख्शी, माननीय आनंद जी पुरोहित, माननीय श्री कीर्ति जैन, सभी ने इन बालक बालिकाओं का सम्मान किया, स्वागत किया। अनन्या यादव, ये राधा रानी के रूप में पधारी है। अनन्या यादव, इन्हें विशेष पुरस्कार से सम्मानित करेंगे हमारे अपने विधायक माननीय श्री रमेश जी मेंदोला, माननीय श्री सुमित जी मिश्रा। आदरणीय सुमित भाई, ये अनन्या यादव विशेष रूप से चयनित की गई है, इसका भी सम्मान करें। हमें आज जल्द से जल्द श्रीमद् देवी महापुराण की कथा आरंभ करनी है। परम पूज्य श्रद्धा प्रातः स्मरणीय
वंदनीय श्री कालीचरण जी महाराज हमारे बीच व्यासपीठ पर विराजमान हो चुके हैं। मैं हमारे अपने विधायक माननीय श्री रमेश मेंदोला मित्र मंडल की ओर से पूज्य महाराज श्री के चरणों में वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ओम काली। पधारे हुए समस्त श्रद्धालुओं का, भक्त जनों का आत्मी आत्मी अभिनंदन, वंदन, स्वागत। ये जितनी भी बालिकाएं हैं, एक बार पुनः ध्यान दें, जितनी भी बालिकाएं हैं कल पूज्य मां कनकेश्वरी देवी जी का रूप धारण करके पधारेंगी, और जितने भी बालक हैं, जितने भी बालक हैं, ये कल देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का रूप धारण करके पधारेंगे। ये जितने भी बच्चे हैं, आपको प्रसाद लेना है, विशेष पुरस्कार लेना है, तो दोनों हाथ उठाएं, दोनों हाथ उठाएं और मेरे साथ कहें ओम काली, ओम काली। मैं हमारे बीच में आज प्रोफेसर श्याम सुंदर पलोट जी और उनकी पत्नी आदरणीय गायत्री पलोट जी, ग्वालियर से हमारे बीच में पधारे आदरणीय विनय अग्रवाल जी और उनकी धर्म पत्नी जी आदरणीय भाभी जी, और हम सबकी ममतामयी भाभी और आदरणीय आशा भाभी, आदरणीय मंजू भाभी, सभी लोग हमारे बीच में उपस्थित हुए। मैं रमेश मेंदोला मित्र मंडल की ओर से सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई सुमित मिश्रा जी। एक बार पुनः ये जितनी भी बालिकाएं हैं, कृपया ध्यान दें, कल जितनी भी बालिकाएं हैं कुछ माँ कनकेश्वरी देवी जी का रूप धारण करके पधारेंगी, और जितने भी बालक हैं ये देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी जी वाजपेयी का रूप धारण करके पधारेंगे।
पधरवे प्रकाश श्रद्धालुओं का जिकारा भक्त जनों का अतिथि का श्री गणेश मंदिर परिसर में ओंकारी हमारे अपने विधायक ओंकारी कीबोर्ड की शार्प ओंकारी 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 मॉनिटर में हल्का सा वॉल्यूम बढ़ा दो ओंकारी ओंकारी थोड़ा सा बेस बढ़ा दो यार थोड़ा सा बंद हो गया तानपुरे वाला माइक चालू कर दो ये कृपया ध्यान दें मंच के सामने सिर्फ कार्यकर्ताओं को छोड़कर अन्यत्र सभी हमारे जितने भी अतिथि कुर्सियों पर बैठ जाने का कष्ट करें भाई प्रशांत भिसे उदय सिंह कुशवाहा अरुण दुबे जी रजनीकांत दुबे जी राजू खराटे कृपया सामने जल्दी से जल्द कुर्सियां लगवा दें पूज्य महाराज श्री व्यासपीठ पर विराजमान हैं मैं एक छोटी सी सूचना एक बार पुनः बालक बालिकाओं को देना चाह रहा हूं कि जितनी भी बालिकाएं हैं कल सभी बालिकाएं पूज्य मां कनकेश्वरी देवी जी का रूप धारण करके पधारें एवं जितने भी बालक हैं वे सभी देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी जी वाजपेयी का रूप धारण करके पधारें ओम काली जय जय दुर्गे काली माँ ओम काली जय जय दुर्गे काली माँ ओम काली जय जय दुर्गे काली माँ ओम काली जय जय दुर्गे ओम काली जय जय दुर्गे काली माँ
मैं मंच पर विराजमान परम सद्य परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्रद्धा श्री कालीचरण जी महाराज के श्री चरणों में हमारे अपने विधायक माननीय श्री रमेश बिंदला मित्र मंडल की ओर से चरण वंदन करते हुए आज की श्रीमद् देवी भागवत कथा महापुराण द्वितीय संध्या में प्रवेश करने हेतु तो विनम्र विनम्र निवेदन करता हूं। ओम काली। हेलो, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यं एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टिः गौरीतुष्टिप्रभाधृतिः एताभिः पाहि तनुभिः अष्टाभिर्मां सरस्वती सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थाने भेवज मातस्त्वदीय पद पंकज भक्ति युक्त ये त्वं भजन्ति निखिलान अपरान् विहाय ते निरजरत्वमिह यान्ति कलेवरेण वह्निवायु गगनां भवि निर्मितेन व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोस्तु देव्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। Thank you.
वायो देवे प्यो नमः सावित्र्यै नमः शिवकामसुन्दर्यै नमः गायत्र्यै नमः ब्रह्मविद्यायै नमः सिद्धविद्यायै नमः महाविद्यायै नमः त्रिपुराम्बिकायै नमः शमशान भैरव्यै नमः आनंद भैरव्यै नमः बाल भैरव्यै नमः बडुग भैरव्यै नमः तरुण भैरव्यै नमः महात्रिपुर भैरव्यै नमः राजश्यामलायै नमः मातंग्यै नमः कमलायै नमः भक्तवत्सलायै नमः ब्रह्मचारिण्यै नमः परब्रह्मरूपिण्यै नमः स्मरणमात्रे ब्रह्मचर्यसंरक्षणकारिण्यै नमः ब्रह्मचार्ये शरीरस्थायै नमः ब्रह्मचर्यव्रतप्रियायै नमः ब्रह्मचर्यतपप्रियायै नमः ब्रह्मचर्य उद्दिष्टायै नमः सर्वमन्त्रात्मिकायै नमः ह्रीं श्रीं क्रीं राजराजेश्वरी त्रिपुरसुन्दरी कालिका परमेश्वर्यै नमः ॐ काली शूलकपालदण्डिनी भालनयने करुणाकरि विद्यालङ्कारिणि सिद्धोऽस्मिन् सर्वभूतानाकर्षयाकर्षय सर्वयक्षराक्षसान् पाशेन बन्धबन्धशूलेन खण्डय खण्डय ह्रीं त्वं ज्वलज्ज्वलशूलिनि दुर्गे वरदमहिषमर्दिनि विन्ध्यवासिनि पातालवासिनि युद्धप्रिये सिद्धसुरपूजिते नन्दिनि मां रक्ष रक्ष महायोगेश्वरी ॐ फट् स्वाहा ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं राजराजेश्वरी त्रिपुरसुन्दरी कालिका परमेश्वर्यै नमः ॐ काली Mm-hmm.
चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधि हरि गिरिशाराधितालङ्करोतु नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ॐ काली काली महाकाली काली महाकाली काली Thank you.
भावांजलि स्वीकारो भावांजलि अर्पित है गीतांजलि स्वीकारो भावांजलि स्वीकारो भावांजलि आंसुओं की काव्यों की पुष्पांजलि काव्यों की पुष्पांजलि पूजा हमारी काली महाकाली काली महाकाली भक्तन सुख काली परम मंगलमय श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का दूसरा दिन में आप सभी उपस्थित श्रोताओं ने जो दिव्य तत्व विराजमान है श्री जगदम्बा के रूप में उसको मैं सबके अंतकरण में निवास करने वाली श्री जगदम्बा को मैं प्रणाम करता हूँ। आप सभी को मेरा हृदय पूर्वक भाइयों बहनों को ओम काली ओम काली। आदरणीय राजर्षि रमेश मेंदुला जी ने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का यहाँ पर आयोजन करके आप सब लोगों को धन्य कर दिया है और साथ में मुझे भी धन्य धन्य कर दिया है, क्योंकि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण सुनना जितना पुण्यप्रद है उतना ही पढ़ना भी पुण्यप्रद है। मुझे भी महापुण्य की प्राप्ति हो रही है और आप लोगों को भी। आदि पराशक्ति परब्रह्म स्वरूपिणी श्री जगदम्बा की एक विभूति है महालक्ष्मी। विद्यार्थी लोग उम्र के 25-27 साल तक के ज्यादा से ज्यादा या कम से कम 16 साल तक के तो पढ़ाई करते ही है, 10वीं तक के तो पढ़ते ही है सामान्य व्यक्ति। रोज 5-5, 7-7, 8-8 घंटे पढ़ाई काय के लिए है, ज्ञान पाने के लिए। उसके बाद में जीवन भर पैसे के पीछे लगे हैं, यानी महालक्ष्मी तत्व को पाने के पीछे लगे हैं। बुरी बात है क्या? कोई बुरी बात नहीं है, शक्ति तो पानी चाहिए, खूब पैसे कमाओ। राजर्षि जी जैसे धर्म कार्यों में खर्चे करते जाओ, नहीं कमाना ही है, खर्चा नहीं करना है, बस अपनी आवश्यकताएं, अपना घर, अपना गाड़ी, अपनी घोड़ा, इसमें ही अगर लगे रहे हैं तो भैया धोखे में हो। कैसे धोखे में हो? क्योंकि मरना पड़ेगा एक दिन, और अगर पुण्य साथ में नहीं है तो पितृलोक में भी गति नहीं होगी। स्वर्ग जाना तो बहुत दूर की बात है, स्वर्ग प्राप्ति के लिए महापुण्यों की आवश्यकता होती है। कोई भी मर गया तो उसके नाम के सामने स्वर्गीय लगा देते हैं, बहुत गड़बड़ बात है ये। अच्छा उसके सम्मान के लिए लगा दो, कोई हर्ज नहीं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है मरने के बाद में वो स्वर्ग ही जाएगा। अगर महापुण्यशाली व्यक्ति मरता है तो ही स्वर्ग जाता है। महापुण्यशाली हो, उत्तरायण में मरे, शुभ नक्षत्रों पर, शुभ तिथियों पर मरे तो ही स्वर्ग जाएगा। ऐसा कोई भी आयरा गहरा थुगहरा मरे और स्वर्ग चला जाए ऐसा संभव नहीं है। अलग अलग लोक है स्वर्ग लोक, ये हम जहां पर रह रहे हैं मृत्यु लोक, पाताल लोक, पितर लोक, नरक लोक,
और पिशाच लोक इत्यादि अनेक लोक हैं, माने दुनियाएं हैं। और आप सब आत्मा हो, मैं भी, हमने ये शरीर धारण किया है, हम आत्मा हैं। और हमने ऐसे करोड़ों शरीर बदल दिए हैं, और जब तक के मोक्ष लाभ नहीं होता तब तक के बदलते रहेंगे। क्या प्रमाण है? भगवान स्वयं गीता में बोल रहे हैं। और गीता पर अगर विश्वास नहीं है तो फिर धर्म नाम की कोई वस्तु नहीं। फुल्ली अय्याशी करें, ऋणम कृत्वा घृतम बिबेद यावत् जीवम सुखम जीवेद। जब तक के जी रहे हैं सुख से जिए, कर्जा करके घी पिए। ये चार्वाक दर्शन है। किसने देखा अगला जन्म और पिछला जन्म और भगवान भगवान धर्म वर्म, किसने देखा? ऐसी वृत्ति है चार्वाक दर्शन की। चार्वाक दर्शन बोलता है जब तक जी रहे हैं अय्याशी करो, कर्जा करके घी पियो। या क्योंकि अवश्यमेव भोक्तव्यम, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। जरूर भोगने पड़ेंगे, जरूर भोगने पड़ेंगे जो अच्छे बुरे काम किए हैं, भुगतना पड़ेगा। जाएगा कहां? जाएगा कहां भाई? मर गया। अरे मर गया शरीर, शरीर मरा है। और वो भी दो ही तत्व यहीं पे रह गए, जल तत्व पृथ्वी तत्व। पंच महाभूतों से बना हुआ शरीर है भौतिक दृष्टिकोण से, लेकिन इसमें कुल मिला के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिला के 24 तत्व हैं। ये पंच महाभूतात्मक पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। आकाश माने पोला स्थान नहीं होता, आकाश माने एक तत्व है जिसको इंग्लिश में ईथर बोलते हैं, जिसमें से शब्द प्रवास करता है, सफर करता है। पोला स्थान माने आकाश नहीं, ये भौतिक तत्व है ईथर, लेकिन बहुत सूक्ष्म है, इंद्रियों से अनुभव नहीं आता। लेकिन इसका जो गुण है शब्द, ये हमें इंद्रियों से माने कानों से सुनाई देता है, अनुभव होता है। वायु भी नहीं दिखाई देता, लेकिन वायु का सीधे स्पर्श हम अनुभव करते हैं। ये पंच महाभूतों का शरीर, इसमें पंच ज्ञानेन्द्रिय आंख कान नाक जीभ और त्वचा, ये पंच ज्ञानेन्द्रिय, ये पांच तत्व। और पंच कर्मेंद्रिय हाथ पैर मुंह, फिर से बोलने का काम करता है ना मुंह, मैंने कर्मेंद्रिय। लिंग और गुदद्वार, ये पांच कर्मेंद्रिय कितने हो गए? 15। इसकी पांच ज्ञानेंद्रियों की तन्मात्राएं शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। शब्द कान की तन्मात्रा सुनाई देना, स्पर्श त्वचा की तन्मात्रा, रूप आंखों की तन्मात्रा, रस जीभ की तन्मात्रा, गंध नाक की तन्मात्रा। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांच कितने हो गए? 20। और चार और तत्व, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये और चार तत्व। मन और चित्त सामान्य भाषा में एक ही अर्थ में वापरे जाता है शब्द, लेकिन चित्त माने अंतर्मन, मन माने बहिर्मन और चित्त माने अंतर्मन। मन बुद्धि चित्त और अहंकार, मैं का भाव। तो ये 24 तत्व मिलकर ये शरीर बना है। तो मर गया माने क्या हुआ? मर गया माने जल तत्व और पृथ्वी तत्व यहां पे बच गया। सिर्फ जल तत्व और पृथ्वी तत्व, वो वैसा का वैसा भूत बन के बैठा हुआ है। इसलिए 13 दिन सूतक, फिर उसको क्या
सूतक निवृत्ति होती है 13 दिन बाद, वो सारे उसकी उत्तर क्रियाएं दश क्रियाएं वगैरह 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 सब क्यों करना पड़ता है सब, क्योंकि वो है ही, मर गया माने क्या, जल तत्व और पृथ्वी तत्व राख के रूप में पृथ्वी तत्व बच गया, जल तत्व की भाप हो गई। लेकिन ये बाकी के 24 तत्व सूक्ष्म लिंग देह में है ही, जिसने साधना कर ली भूतों की वो भूतों को देख भी सकता है, बिना साधना के कईयों को भूत दिखते हैं, पितरों के दर्शन होते हैं, अपने घर के ही मरे हुए लोग माने पितर, बाहर के मरे हुए माने भूत, बाहर के लोग अपने घर वालों के जो मरे हुए हैं उनको भूत बोलेंगे। अब घर वालों को मैं अपने मम्मी पापा या दादा दादी या नाना नानी, इनको अपन अगर इनकी देहावसान हो चुका है, जीवित लोगों को तो हम मम्मी पापा या माता पिता बोलते हैं, लेकिन मरने के बाद में पितर है, मातृ पितृ, लेकिन दूसरों के लिए भूत है, जैसे दूसरों के पितर हमारे लिए भूत है, तो वो है ही, वो है ही। कोई लोग बोलते गया श्राद्ध करके आओ, फिर पितृ पूजन करने की कोई जरूरत नहीं, पितृ पक्ष में उनके लिए वो विधि विधान श्राद्धादि करने की कोई जरूरत नहीं, झूठी बात है, गाफिल मत रहो, वो आते हैं देखने के लिए कि अपने बच्चे क्या कर रहे हैं अपने लिए, और उनमें श्राप और वरदान देने की विशेष शक्ति आ जाती है मरने के बाद में, सभी में मर के देख लो पावर आ जाती है एकदम। फिर जीते जी सेवा कर लो, नहीं तो ये मरने के बाद में तकलीफ देंगे। अगर जीते जी सेवा नहीं हुई है तो श्राद्ध वगैरह करके उनको संतुष्ट करो, उनके लिए होम हवन गो पूजा गाय की सेवा, गौशाला को दान करना पितरों के नाम से, उससे वो संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो गाफिल मत रहिए, मर गया माने दुनिया खत्म हो गई, ऐसा नहीं है, ये एक पड़ाव है बस, मृत्यु वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि यथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयादिनवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार से जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीरों को धारण करता है, और आप जीवात्मा हो, गाफिल मत रहो, आप मरे जग डूबा ऐसा नहीं होता, और जग कभी नहीं डूबता। ब्रह्म प्रलय देखना मनुष्य के सामान्यतः बस की बात नहीं है, बहुत अरबों खरबों साल लगते ब्रह्म प्रलय होने के लिए, और तब भी नहीं डूबता आत्मा, प्रलय में भी नष्ट नहीं होती, और आप आत्मा हो, आप कभी नहीं मरने वाले, आप कभी मरने वाले नहीं हो। इसलिए जन्म जन्मांतरों के हिसाब रखने सीखिए, आप में से कोई रखते भी होंगे, आप ना भी रखो तो रखने वाले कैमरे लगे हुए हैं अंदर ही आपके अंतर मन के रूप में, सब रिकॉर्ड हो रहा है। मृत्यु के अधिष्ठाता देवता कौन है? भगवान यमराज। और उनके असिस्टेंट मैनेजर कौन है? भगवान चित्रगुप्त। ये गुप्त रूप से चित्रीकरण करते रहते हैं, रिकॉर्डिंग चलती है गुप्त रूप से, इसलिए इनका नाम चित्रगुप्त है। ये छुपके छुपके आपकी सारी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इनका एजेंट आपके ही अंदर बैठा हुआ है अंतर मन के रूप में। अब जाओगे बच के कहा कहां बच के जाओगे? कहीं ऐसी जगह नहीं है जहां पे आपका अंतर मन नहीं साथ आएगा, आपकी नींद में भी वो जागृति है। हृदय जो धड़कते रहता है ना, ये अंतर मन का काम ही है, अपने आप नहीं धड़का रहे हो, सांस अपने आप चल रही है, आप नहीं चला रहे हो। उसी प्रकार से रिकॉर्डिंग अपने आप चल रही है, गुप्त रूप से चित्रीकरण हो रहा है, माने रिकॉर्डिंग हो रहा है,
और उसका सारा का सारा डाटा भगवान यमराज जी के पास में जमा रहता है। बहुत बड़ा सिस्टम है, बहुत विशाल सिस्टम है, कल्पनातीत सिस्टम है और ऑटोमेटिक है सिस्टम। कोई चलाने के लिए रखना नहीं जरूरत, ऑपरेटर की जरूरत नहीं है। अपने आप चित्रीकरण, अपने आप कायदा कानून से दंड या पुरस्कार, कर्मफल व्यवस्था। ओम काली, दोनों हाथ ऊपर उठाइए जोरों से, जोरों से और जोरों से। ओम काली, ऑटो सिस्टम है भैया, बच के जाओगे कहां। समझ लो विज्ञान को। कोई लंगड़ा पैदा हो रहा है, कोई लूला, कोई अंधा, कोई ठिगना, कोई बहुत बदसूरत है और कोई विलक्षण सुंदर है, कोई श्रीमान है, पैदाइशी संपत्ति में पैदा हो गया, कोई एकदम गरीबी में पैदा हो रहा है। क्यों हो रहा है भैया साहब? ईश्वर न्याय प्रिय है तो ऐसा क्यों है? क्यों है ऐसा? भगवान ने एक को गरीब, एक को अमीर क्यों बनाया? भगवान ने एक को सुंदर, दूसरे को कुरूप क्यों बनाया? भगवान ने एक को ज्ञानी और दूसरे को इतना बुद्धिहीन बनाया कि उसको भोंट बोलने लग गए हैं कुछ कुछ लोग। ऐसा क्यों है? तो भगवान दुष्ट है क्या? मनचले है क्या भगवान? किसी को कुछ भी बनाएंगे? बिल्कुल नहीं, भगवान ऐसे नहीं है। भगवान न्याय प्रिय है। उन्होंने कर्म फल व्यवस्था नाम की एक व्यवस्था लगा कर रखी है। कौन सी व्यवस्था? कर्म फल व्यवस्था। बोलिए एक बार, कर्म फल व्यवस्था। और उसका नियम है, काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करके रखा हुआ है, जो जैसा करेगा वैसा फल चखेगा। कोई किसी के सुख दुख के लिए जवाबदार नहीं है, सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। महाराज जी, बच्चे ने कौन सा बुरा कर दिया कि वो लंगड़ा लूला अंधा बहरा अपंगा पैदा हो गया? पिछले जन्म का हिसाब है। कोई बच्चा पैदा हो गया, गरीब कुल में पैदा हुआ, लेकिन पैदा होते ही वो कुल में समृद्धि आना शुरू हो गई, ये क्या हो गया? ये बच्चा पिछले जन्म में बड़ा दानी था, इसने बहुत दान किया था धन संपत्ति सत्कर्मों में, अच्छे कार्यों में, तो वो करेंसी पुण्य में ट्रांसफर हो गई, पुण्य में रूपांतरित हो गई वो पैसा। तो ये मरने के बाद में उसके साथ में वो पुण्य आ गया और वो पुण्य यहां पर आते ही धन में परिवर्तित हो गया, इसलिए पैसा अपने आप आना शुरू हुआ। आपके पास में 50 लाख रुपए हैं, अमेरिका में काम नहीं आएंगे, वहां डॉलर चलता है। अमेरिका में अगर पैसा आपको खर्चा करना है तो डॉलर में परिवर्तित कर दो करेंसी, तो अमेरिका में भी काम आएगी। लेकिन डॉलर भारत में काम नहीं आता, भारत में पैसा खर्चा करना है तो डॉलर को रुपए में कन्वर्ट कर दो, परिवर्तित कर दो, तो भारत में रुपया काम आएगा, तो रुपया आप खर्चा कर सकोगे, डॉलर नहीं खर्चा कर सकते। इसी प्रकार से यहां पर जो संपत्ति ऐश्वर्य आपके पास में है, ये अगर आप धर्म कार्यों में विनियोग करते हो, दूसरों के भले के लिए विनियोग करते हो, गाय की सेवा के लिए, मंदिर बनाने के लिए, सद्भाव उत्पन्न करने के लिए, आनंद प्रसार के लिए इसका अगर आप विनियोग करते हो, तो ये करेंसी
पुण्य में ट्रांसफर हो जाती है। तो पुण्य ऐसी करेंसी है जैसे स्वर्ण सोना दुनिया में कहीं पे भी चलता है। दुनिया में कहीं पे भी सोना चलता ही, सोना मैंने सो जाना नहीं, स्वर्ण गोल्ड दुनिया में कहीं भी स्वर्ण की करेंसी चलती है, सब तरफ स्वर्ण बिकता है, खरीदा जाता है। जागतिक करेंसी का आधार स्वर्ण है और ये पुण्य में अगर परिवर्तित हो जाए करेंसी आपकी, तो आप कहीं पे भी जाओ और किसी भी जन्म में जाओ, ये पुण्य आपके साथ आएगा जैसे पाप साथ आता है। पाप पुण्य ज्ञान और अज्ञान साथ में आते हैं भाइयों, इसलिए मृत्यु पर्यंत ज्ञानार्जन करो, मरने तक ज्ञान प्राप्त करते रहो, क्योंकि ज्ञान साथ में आएगा। कोई बच्चा पैदा होते ही बढ़िया तबला बजा लेता है। एक बच्चे का आया था ये सोशल मीडिया पे, वो बहुत सारे वो ड्रम वगैरह रखता है सामने और इतना बढ़िया बजा देता है, 4 साल का है, 3-4 साल का बच्चा, अरे बड़े बड़े कलाकारों को जैसा बजाता है वो, कैसे बजा लिया? क्योंकि पिछले जन्म में करके रखा हुआ था, वो प्रकट हो गया। इसलिए गाफिल मत रहिए, कर्मफल व्यवस्था जरूर जानिए। हम सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा, किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका, हाथ से अपने खो मत देना, मौका ये खिदमत का, जन्नत का दर खुल जाएगा, भगवान तुझको मिल जाएगा, सुख दुख है क्या फल कर्म का। जरा दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ कहे क्या, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। चाहे न पूजे मूर्ति, चाहे न तीर्थ जाए, माता पिता के तन में सारे देव समाए, तू इनका दिल खुश रखे तो ईश्वर खुश हो जाए, भगवान तुझको मिल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी।
जयकारा शेरवाली का बोल साचे दरबार की। ओम काले ओम काले। इसलिए गाफिल मत रहिए, हमें हमारा जीवन उद्देश्य अगर पाना है, क्या जीवन उद्देश्य है? अनंत आनंद की प्राप्ति कर लेना और सारे दुखों का नाश कर देना, सभी दुखों का हमेशा हमेशा के लिए जन्म जन्मांतरों के लिए नाश हो जाए और अनंत आनंद की लब्धि हो जाए, यही जीवन का उद्देश्य। ये कैसे होगा? ये उद्देश्य तभी पूर्ण हो सकता है जब हम ईश्वर को पा लेवे। अब ईश्वर तो पाया हुआ ही है, सर्वत्र व्याप्त है, हम ईश्वर में है, ईश्वर हम में है, लेकिन प्रकट नहीं है, प्रकट नहीं है। प्रकट होना चाहिए ईश्वर का, हमें साक्षात्कार होना चाहिए, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। और ईश्वर ही अनंत आनंद स्वरूप है, आपके सभी दुखों का तभी नाश हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए जब आप ईश्वर को पा जाओगे, और तभी आपको अनंत आनंद की प्राप्ति होगी, परम शांति की प्राप्ति होगी। नहीं तो आप कितनी भी भोग भोग लो, फुल अय्याशी करो, 10,000 लड़कियां 10,000 लड़के, सारे गांव की दारू, न जाने कौन से अय्याशी के और कौन से अड्डे होंगे, वो सब कर लो, लेकिन पाप के सिवा और दुखों के सिवा कुछ भी आपके जीवन में नहीं उत्पन्न होगा। पाप है तो दुख है, कोई बहुत दुखी दिख रहा है तो समझ जाओ बहुत सारे पाप करके रखे हुए हैं, फिर उसको मदद ना करे क्या? बिल्कुल करिए, क्योंकि दुखियों की मदद करने से पुण्य लाभ होता है, वो तो भुगतने ही वाला है, लेकिन आप पुण्यशाली बनिए, दूसरों के दुखड़े दूर करने के लिए आप कोशिश करिए तो आपके दुखड़े अपने आप दूर होंगे। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वालों, तुम्हारे दुख दूर करेंगे राम। दूसरों को मेहंदी लगाने को गए तो पहले अपने हाथ रंग जाएंगे। तो हमारे जीवन का उद्देश्य है अनंत आनंद को पाना, वो ईश्वर है। सच्चिदानंदम ब्रह्मेति, परब्रह्म परमात्मा आनंद स्वरूप है, उसे हमें पाना चाहिए, उसे हमें पाना है, वो टारगेट है। मात्र भौतिक कार्य करते रहना ये टारगेट नहीं है, भौतिक कार्य करिए लेकिन ये उद्देश्य नहीं है। तो ईश्वर को पाना उद्देश्य है और उसके लिए त्रयी महाशक्तियों की आवश्यकता है। ज्ञान चाहिए ईश्वर को पाने के लिए, सत्कर्म करने के लिए धन चाहिए और उत्तम स्वास्थ्य चाहिए जिससे आप साधना कर सको। ढंग का शरीर नहीं है क्या साधना कर लोगे? ढंग का शरीर नहीं है क्या सेवा करोगे? क्या पैसा कमाओगे? क्या ज्ञान प्राप्त करोगे? इसलिए उत्तम स्वास्थ्य शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अच्छा शरीर धर्म साधना का आदि कारण है, इसलिए उत्तम स्वास्थ्य आवश्यक है। और भरपूर संपत्ति चाहिए धर्म कार्य करने के लिए। वो भरपूर संपत्ति कैसे आएगी? सिर्फ मेहनत करने से संपत्ति आती थी तो मजदूर सबसे ज्यादा अमीर होते थे, क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत तो मजदूर करते हैं, फिर वो संपत्तिशाली क्यों नहीं बनते? क्योंकि महालक्ष्मी तत्व की कृपा नहीं है। महालक्ष्मी तत्व की जब कृपा होगी तभी संपत्ति की प्राप्ति होगी। और महालक्ष्मी की कृपा कब होती है? सिर्फ मेहनत करने से जो संपत्ति आती है, खूब मेहनत कर रहे खूब मेहनत कर रहे तो वो ज्यादा से ज्यादा 3 पीढ़ियों तक टिकती है, 2 पीढ़ियों तक, तीसरी पीढ़ी में देवी घर छोड़ के चली जाती है। दादा अमीर था तो पोता गरीब दिखेगा, पोता अमीर है तो दादा गरीब दिखते होंगे, ये सामान्यतः दिखता है सब तरफ सामान्यतः, लेकिन कोई कोई कुलों में देखो 10-10, 20-20 पीढ़ियां हो चुकी है, संपत्तिशाली लोग हैं जिसको जिनको गर्भ श्रीमंत बोलते हैं मराठी में, उनकी संपत्तियां चली आ रही हैं। क्यों? क्योंकि उनके यहां महालक्ष्मी स्थिर बैठी है। महालक्ष्मी स्थिर कहां बैठी है? दान के कमल में महालक्ष्मी स्थिर बैठती है। सत्कर्म का कमल चाहिए, सत्कर्म का कमल चाहिए महालक्ष्मी को स्थिर बैठने के लिए।
अगर सत्कर्म नहीं है, इतना सारा हांडी भर पका रही हो और एक दाना चावल का दान कर रहे हो, ये दान है क्या? ये दान नहीं है। अपने कमाई का कम से कम 10% धर्म कार्यों में दान करिए, दूसरों के भलों के लिए दान करिए, राष्ट्र कार्य के लिए दान करिए, ईश्वरीय कार्यों के लिए दान करिए, कम से कम 10%, तो वो बुवाई अच्छी होगी फसल। 10 बोरे आया अनाज और मुट्ठी भर फेंक दिया खेत में, क्या फसल आने वाली है? कोई फसल नहीं आने वाली। 10 बोरा अनाज निकला है तो 1 बोरा बो दो तो ही फसल आएगी बढ़िया। देना माने बोना है, और बिना दान के महालक्ष्मी आपके घर में स्थिर नहीं रह सकती। और जो पैसा दूसरों की बद्दुआएं और हाय लेके आया हुआ है, वो चीख पुकार करके जाएगा। इसलिए सावधान, हाय की संपत्ति मत जमा करना, अकाल मृत्यु घर में डेरा डालेगी, भयंकर रोग होंगे, एक्सीडेंट होंगे। क्योंकि जो संपत्ति दूसरों की बद्दुआएं और हाय लेके आती है, वो चीख पुकार करके जाती है। देवी का एक रूप है अलक्ष्मी। दुष्टों के घर में, कुकर्मियों के घर में देवी अलक्ष्मी रूप में निवास करती है, और सज्जनों के, सत्कर्मियों के घर में देवी महालक्ष्मी रूप में निवास करती है। जैसे राजर्षि जी, राजर्षि रमेश जी महेंदोला जी के यहां पर महालक्ष्मी निवास करती है। इसलिए इतने सारे सत्कर्म घटित हो रहे हैं। केरल का कालड़ी नाम का एक ग्राम है, बड़ा रमणीक है केरल। वहां पर 1300 साल पहले भगवान आदि शंकराचार्य जी का प्राकट्य हुआ। उनके पिताजी का नाम शिवगुरु, उनके माताजी का नाम सुभद्रा देवी। बड़ी मन्नत की भगवान शिव की, और बहुत दिनों के बाद में संतान प्राप्ति हुई। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया कि मैं स्वयं पुत्र रूप में आपके यहां पर अवतरित होऊंगा। अगर ज्ञानहीन, अगर सुदीर्घायुषी पुत्र चाहते हो तो मैं ज्ञानहीन रूप में रहूंगा, और ज्ञानी पुत्र चाहते हो तो मैं अल्पायु रहूंगा। तो पिता ने वर मांगा कि भगवान, बुद्धिहीन पुत्र से तो अल्पायु बुद्धिमान पुत्र ही श्रेष्ठ है। बुद्धिहीन बालक सुदीर्घायुषी रहे तो भी जगत के लिए अपायकारक ही होगा, और बुद्धिमान पुत्र अल्पायु भी रहे तो भी वो सारे जगत के लिए कल्याणप्रद रहेगा। आप ज्ञानी के रूप में ही प्रकट होजिए। तो भगवान आदि शंकराचार्य का प्राकट्य हुआ। बोलिए आद्य शंकराचार्य भगवान की जय हो। ओम काले, ओम काले। आठ साल के हुए आद्य शंकराचार्य, और सन्यासी हो गए सारे जगत के कल्याण के लिए। शंकराचार्य जब छोटे थे तभी उनके पिताजी का देहावसान हो गया। विधवा मां का इकलौता बेटा, और छोरा बोले कि मुझे सन्यासी बनना है। अब कितना दर्द हुआ होगा मां के कलेजे में, अंतकरण में, हृदय में। विधवा मां का इकलौता बेटा और बोल रहा है मैं जगत कल्याण के लिए निकलूंगा, परिव्राजक बनूंगा। परिव्राजक माने घूमते रहकर विश्व में, भूमंडल पर घूमते रहे जगत कल्याणकारी कार्य करने वाले लोग, माने परिव्राजक। कितना भयंकर प्रसंग। मां बोले बिल्कुल नहीं, मेरे जीते जी तू कहीं नहीं जाएगा,
तो भगवान शंकराचार्य जी ने लीला रची, तालाब में स्नान करने के लिए गए, बहुत विशाल तालाब था, स्नान करने के लिए गए, मगरमच्छ को प्रेरणा करी, मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया, और ये चिल्लाने लग गए बचाओ बचाओ, मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया, मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया। माँ किनारे पर थी, माँ व्याकुल हो गई और माँ चिल्लाने लग गई, कोई बचाओ मेरे बेटे को, कोई बचाओ मेरे बेटे को। कोई था ही नहीं वहां पे, कोई था ही नहीं। तो शंकराचार्य जी बोले, माँ अगर तू मुझे अभी संन्यास दीक्षा लेने की अनुमति दे देती है, और मैं अगर यहीं पे संन्यास का संकल्प करता हूं, तो मात्र संन्यासी होने के संकल्प मात्र से मुझे इतना पुण्य प्राप्त हो जाएगा कि मेरी अकाल मृत्यु योग अभी दूर हो जाएगा। तो माँ बोले हाँ हाँ ठीक है ले ले संन्यास ले ले। तो भगवान शंकराचार्य ने मस्तक पर हाथ जोड़े और भगवान दक्षिणामूर्ति शिव का स्मरण करके, हे भगवान मैं अभी आपको समर्पित होकर सन्यासी बनता हूं, ऐसा बोल दिया। भगवती ललिता त्रिपुर सुंदरी देवी परम प्रसन्न हो गई और आद्य शंकराचार्य जी को सन्यास लेते ही महापुण्य की प्राप्ति होकर मगरमच्छ ने पैर छोड़ दिया और भगवान शंकराचार्य बाहर आ गए और भिक्षा लेने के लिए निकले। भिक्षा टन करने के लिए एक गरीब ब्राह्मणी का घर था, उस घर के सामने जाके भिक्षा का जो खप्पर होता है, पात्र होता है, विशेष प्रकार का नारियल होता है एक जहरीला, उसको फाड़ कर शुद्धिकरण करके वो खप्पर बनाया जाता है। 2 किलो स्वर्ण किसी को दान कर देना और सन्यासी को वो खप्पर दान कर देना एक जैसा ही पुण्यप्रद है। ओम काली। वो खप्पर उनके हाथ में था, वो ब्राह्मणी के घर के सामने गए, भवति भिक्षां देहि, हे मां भिक्षा परोसो। ब्राह्मणी बाहर आई, फटी हुई साड़ी, मटमैली, क्षीण काया, हाथ पैर पतले हो चुके हैं, वृद्ध नहीं थी लेकिन शरीर इतना जर्जर हो चुका था। फटी साड़ी में बाहर आई, कैसे तैसे सिलाई करी हुई थी साड़ी 10 जगह पे, शंकराचार्य जी 8 साल के बच्चे हैं ये प्रसंग के समय, कितने साल के हैं, 8 साल का बच्चा है, लेकिन त्रावणकोर सहित कई बड़े बड़े राजा आद्य शंकराचार्य जी से दीक्षित हो गए थे उसी समय, इतनी महान महिमा और इतने चमत्कार थे इनके, 8 साल का बच्चा, 8 साल का, 1300 साल पहले की बात कर रहा हूं आद्य शंकराचार्य जी की। ब्राह्मणी बाहर आई ऐसे ऐसी स्थिति में, बोले बोले भगवान हमारे घर में कुछ भी नहीं है जो हम आपको भिक्षा में देवे, 2 दिन से तो हमने ही भोजन नहीं किया, घर में कुछ भी नहीं है, हम परम दरिद्री लोग हैं। तो शंकराचार्य जी बहुत उदास हो गए, नीचे सर झुका लिया और लौट पड़े उल्टे पैर। जैसे ही मुड़े लौटने के लिए,
ब्राह्मणी ने कहा रुकिए भगवान, तो ये फिर से मुड़ गए। बोले जी माता, बोले थोड़ी देर आप रुकिए। अंदर गई, एक आंवला था, वो आंवला उन्होंने शंकराचार्य जी की तरफ बढ़ाया। बोले भगवान, दो दिन से हम भूखे हैं, लेकिन आज सुबह मेरे पति ने ये आंवला लाया है, भिक्षा में उनको मिला था, आंवला ही मिला। ये आप ले लीजिए। शंकराचार्य जी ने हाथ बढ़ाया, हाथ पर आंवला रखा, वो रख दिया ब्राह्मणी ने। शंकराचार्य जी आंवले को देखते देखते समाधि लीन हो गए और भगवती महालक्ष्मी का ध्यान करने लग गए, और उनके मुख से एक दिव्य स्तोत्र देवी के महालक्ष्मी के लिए प्रस्फुटित होने लग गया। उसी क्षण अंगम हरे पुलक भूषणमाश्रयंती भृंगांगनेव मुकुलाभरणं तमालम् अंगीकृताखिल विभूतिरपांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगलदेवतायाः। देवतेति गरुडध्वज सुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थिति प्रलय केलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनै एकगुरोस्तरुण्यै मुग्धामुहुर्विदधति वदने मुरारे प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गदागदानि मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पलेय सा मे श्रियं दिशतु सागर सम्भवाय। धीर्देवतेति गरुडध्वज सुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थिति प्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनै एकगुरोस्तरुण्यै। ऐसे एक के बाद एक 18 पद भगवान आदि शंकराचार्य जी के मुख से निकलते रहे, और जैसे ही यह स्तोत्र पूर्ण हुआ, 18वां पद उच्चारित हुआ, अंतरिक्ष में भगवती महालक्ष्मी प्रकट हो गई। बोलिए महालक्ष्मी ओम काले, ओम काले। दिव्य ध्वनियां होने लग गई, घंटे बजने लग गए, शंख ध्वनि होने लग गई, दिव्य मृदंग बजने लग गए, फेरियां बजने लग गई, मंगल वाद्य अपने आप सारे वातावरण में गुंजायमान होने लग गए। दिव्य सुगंधियां वातावरण में व्याप्त हो गई, अद्भुत सुगंधि वातावरण में व्याप्त हो गई। श्री जगदम्बा के दिव्य शरीर से निकलने वाली सुरभि पूरे प्रांत में व्याप्त हो गई, सारा वातावरण मंगलमय हो गया। दिव्य ध्वनियां, दिव्य सुगंधि, सूर्य का प्रकाश अत्यंत उज्ज्वल और रमणीय हो गया, संपूर्ण वातावरण देवी के दिव्य प्राकट्य से आप्लावित हो गया। देवी
गरुड़ प्रारूढ़ थी। दिव्य चार भुजाएं, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण की हुई। नमस्ते गरुड़ा रूढ़े कोला सुर भयंकरी कुमारी वैष्णवी ब्राह्मी महालक्ष्मी नमोस्तुते। दिव्य कीट चमचमा रहा है मस्तक पर, कमल के गर्भ जैसा गौर वर्ण है, जैसे दूध में हल्का केसर डाल दिया हो ऐसा वर्ण है जगदम्बा का। मंद मंद मुस्का रही है, बिना काजल के बड़ी बड़ी कजरारी आंखें हैं। धनुष्याकृति भ्रुकुटी है, बड़ी बड़ी बरावनियां बिंबा फल के जैसे ओंठ हैं। हाथ के और पैर के तलवे बिना अलते के बिना अलते के बिना मेहंदी के लाल रंग के हैं। दिव्य रक्त वस्त्र धारण किया हुआ है, कंठ में दिव्य मणियों से विभूषित मालाएं हार स्वर्ण हार धारण की हुई है। सभी भुजाओं में बाजूबंद धारण की हुई, दिव्य कंकण और मुद्रिकाएं धारण की हुई है। कमर में कमर पट्टा धारण किया है रत्न जड़ित स्वर्ण का, पैर में नूपुर खनखना रहे हैं। ऐसी भगवती महालक्ष्मी अंतरिक्ष में विराजमान हो गई मंद मंद मुस्काते हुए, और भगवान शंकराचार्य को एक हाथ वर मुद्रा में और एक हाथ अभय मुद्रा में, एक हाथ वर मुद्रा में और एक हाथ अभय मुद्रा में दिखाकर आद्य शंकराचार्य को बोली, तुम्हारे स्तोत्र गान से मैं परम प्रसन्न हुई, वर मांगो पुत्र वरम ब्रुया। शंकराचार्य जी मस्तक पर हाथ जोड़े हुए हैं और देवी को बोला शंकराचार्य जी ने कि महादेवी, अगर तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो इस ब्राह्मणी को अभी श्रीमान संपत्तिमान बना दो। महालक्ष्मी ने क्या बोला, शंकर ऐसा करना प्रकृति के विरुद्ध है। आद्य शंकराचार्य जी बोले, क्यों? इस ब्राह्मणी ने, महालक्ष्मी बोली, इस ब्राह्मणी ने पूर्व जन्म में कभी कोई दान नहीं दिया है, कभी कोई सत्कर्म नहीं किया है, कभी गौ की सेवा नहीं की, कभी निर्धन विद्यार्थियों को विद्या दान नहीं कराया, कभी अन्न दान नहीं किया, कभी वस्त्र दान नहीं किया, कभी मंदिर बनाने के लिए, देवालय बनाने के लिए, गौशाला बनाने के लिए दान नहीं किया, कभी दुखियों के दुखों को दूर करने के लिए प्रयत्न नहीं किए, कभी अनाथ बालकों को इसने पालित पोषित करने के लिए अनाथालयों को दान नहीं किया, इसने कभी देव वृक्षों को लगा के उनका संवर्धन नहीं किया, इसने कोई ऐसा पुण्य कार्य नहीं किया है जिससे ये संपत्तिशाली बने। लेकिन शंकर, तू मुझे वर मांग, मैं तुझे देती हूं। आदि शंकराचार्य क्या बोले, देखो संतों का हृदय, संत हृदय नवनीत समाना। दुखी व्यक्ति कितना भी पापी हो, अगर संतों के चरणों में
अगर सदगुरु के चरणों में जाता है, ब्रह्म साक्षात्कारी महापुरुषों के चरणों में जाता है, तो वह महापुरुष उनके दुखों के निवारण का, उनके मुक्ति का उपाय निकाल ही लेते हैं किसी न किसी प्रकार से। आदि शंकराचार्य बोले, माता मैं सन्यासी हूं, त्यागी हूं, प्रथम तो यह है कि अगर जो कोई सन्यासियों को भिक्षा देता है उसको महापुण्य की प्राप्ति होती है, और यह ब्राह्मणी और इसका पति दो दिन से भूखे हैं, इन्होंने मुझे स्वयं न खाते हुए यह आंवला दान किया है। देवी दान का पुण्य फल दो मां, इस वाक्य से भगवती महालक्ष्मी परम प्रसन्न हो गई और बोली तथास्तु। बोलिए महालक्ष्मी माता की जय हो। ओम करे। वो ब्राह्मणी के घर में आंवलों की, स्वर्ण के आंवलों की वर्षा हो गई। स्वर्ण के आंवलों की वर्षा हो गई, इसलिए यह स्तोत्र का नाम ही कनकधारा स्तोत्र पड़ा। और यह कनकधारा स्तोत्र माने कनक माने स्वर्ण, उसकी धार लग गई आंवलों की वहां पे। सात हजार किलो स्वर्ण की वर्षा हुई। योग्य पात्र में दान करने का इतना महापुण्य फल, जन्म जन्मांतर की दरिद्रता नष्ट कर दी। एक सच्चे सन्यासी को दान करने का इतना महापुण्य फल हुआ। भगवान आद्य शंकराचार्य भगवती महालक्ष्मी को प्रणाम किया। शंकराचार्य जी ने भगवती अंतर्धान हुई और शंकराचार्य जी वहां से लौट आए। त्रावणकोर के राजा की रेट गिर गई, इतनी संपत्ति कहां से आई। राज वैभव पाने योग्य जितनी संपत्ति तुम्हारे पास में आई कहां से, 7000 किलो स्वर्ण उसके आंवले कहां से आए। तो ब्राह्मणी ने बोला कि राजन, एक छोटे से बटु सन्यासी आए थे, उन्होंने उनको मैंने आंवला दिया, उन्होंने अंतरिक्ष में देखकर रोते रोते स्तुति गाई देवी की, हमें तो कुछ नहीं दिख रहा था लेकिन वातावरण दिव्य हो गया, सुगंधियां निस्रुत होने लग गई। और थोड़ी देर बाद अचानक हमारे घर में ये सोने स्वर्ण के आंवलों की वर्षा हो गई। राजा बोले, ऐसा कभी होता है क्या। बोले भगवान, हुआ ऐसा, लगे तो आप उनको बुलाइए। तो पंचक्रोशी में कौन बटु सन्यासी है। तो भगवान शंकराचार्य सर्वत्र प्रसिद्ध थे कि 8वें साल में मात्र यही बच्चा है जो दीक्षित है सन्यास में। तो उनको बुलाया, तो जैसे ही आद्य शंकराचार्य आए,
त्रावणकोर के राजा, सेनापति, प्रधानमंत्री सबके सब साष्टांग दंडवत, क्योंकि राजा के गुरु थे वो। 8 साल का बच्चा, क्या ज्ञान वैभव, क्या सिद्धि, क्या तपस्या, क्या योग वैभव, क्या तंत्र वैभव होगा आद्य शंकराचार्य जी के पास में। आद्य शंकराचार्य भगवती ललिता त्रिपुर सुंदरी देवी के उपासक हैं, श्री विद्या के उपासक हैं। श्री जगदम्बा ने क्या वैभव है, योग वैभव आद्य शंकराचार्य जी का। श्री जगदम्बा ने सारे वरदान दे के रखे हैं उनको। त्रावणकोर के राजा, वहां के प्रधानमंत्री, सेनापति, सारी सेना साष्टांग नमस्कार कर दिया। आद्य शंकराचार्य जी ने बोला, यहाँ पर स्वर्ण की वर्षा भगवती महालक्ष्मी ने की हुई है, आप इनको सुरक्षा प्रदान करिए, विथ सिक्योरिटी हेवी अकाउंट खोल दिया गया उनके नाम से प्रशासन में, और वो ब्राह्मण ब्राह्मणी सदा सर्वदा के लिए सुखी हुए। इस कथा से हमें ये सीख प्राप्त होती है कि बिना दान के संपत्तिशाली नहीं हुआ जा सकता, और ठोस दान चाहिए, ठोस दान जैसे राजर्षि जी कर रहे हैं। इतना ना भी किया जा सके तो कम से कम कमाई का 10वां भाग दान करो। बाबा जी हम गरीब हैं, गरीब हो ही इसलिए क्योंकि दान नहीं किया हुआ, फिर अब हम क्या करें। एक टाइम खाओ, एक टाइम का दान दो। बाबा जी हम एक ही टाइम खाते हैं, तो 2 दिन में एक बार खाओ और एक टाइम एक दिन का दान करो। बाबा जी हमको 7 दिन में एक बार खाने को मिलता है, तो 40-40 दिन भूखे रहो लेकिन दान करो, नहीं तो इससे भी विपन्न परिस्थिति प्राप्त हो के नरकों में सड़ोगे हजारों साल तक के। सावधान, संपत्तिशाली बनने का एकमात्र मार्ग है उद्यम सहित, भौतिक मेहनत सहित, परिश्रम सहित दान भी करे तो भगवती महालक्ष्मी प्रसन्न होकर वरदायिनी होगी। ओम काली आरती। ओम काली, ओम काली, जय जय दुर्गे काली माँ। ओम काली जय जय दुर्गे काली माँ। ओम काली जय जय दुर्गे काली माँ। ओम काली जय जय दुर्गे काली माँ। ओम काली, ओम काली जय जय दुर्गे काली माँ। ओम काली जय जय दुर्गे काली माँ। ओम काली, ओम काली जय जय दुर्गे काली माँ। 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 ओम काली, बोलिए सब लोग और ताली भी बजाइए, ताली भी बजाइए। ओम काली जय जय दुर्गे काली माँ। ओम काली, ओम काली जय जय दुर्गे काली माँ। ओम काली जय जय दुर्गे काली माँ। ओम काली, मैं परम श्रद्धेय पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्री कालीचरण जी महाराज के चरणों में हमारे अपने विधायक माननीय श्री रमेश मिंदोला मित्र मंडल की ओर से चरण वंदन करता हूं, और साथ ही आमंत्रित करता हूं हमारे अपने विधायक माननीय श्री रमेश जी मिंदोला, माननीय श्री विजय जी मित्तल को कृपया आरती हेतु आ जाएं। आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप अपने स्थान पर खड़े रहें और
आरती के पश्चात पुनः बैठ जाएं। हमारे बीच एक नन्ना मुन्ना बालक कुछ क्षणों के लिए यहाँ योग का एक प्रस्तुति देगा। आरती के पश्चात जब महाराज श्री प्रस्थान कर जाएंगे, आप अपने स्थान पर खड़े हो जाने का कष्ट करें। एक बार सभी हाथ उठाकर बोलिए ओम काले, ओम काले। सभी से निवेदन है, आज 10:30 बजे तक के संपन्न हुआ कार्यक्रम, लेकिन कर और ज्यादा समय चलेगा क्योंकि मैं कम समय में ज्यादा नहीं बोल पाता हूं, लेकिन आज मेरी मजबूरी है। कल 9 बजे पक्की शुरू हो जाएगी कथा, 10-20 लोग रहे तो भी मैं शुरू कर ही दूंगा। और कल महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम सहित देवी ने महिषासुर का कैसे वध किया इसका आख्यान होगा। वो बहुत अद्भुत चरित्र है देवी का, जो परम पुण्यप्रद है, दरिद्रता नाशक है, सकल संपत्ति प्रदायक, ऐसा देवी का चरित्र है। जो कोई सुनेगा उसके सारे दुखों का नाश होकर उसे अनंत वैभव की प्राप्ति होगी, और भोग और मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय सहित प्राप्त कर वो परमानंद प्राप्त करेगा, सुखी हो जाएगा सदा सर्वदा के लिए। इसलिए सब लोग समय पर उपस्थित होजिएगा। मेरे द्वारा जो कुछ भाषा में अथवा डांट डपट में गलतियां हो जाती है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जो कुछ मेरे से अच्छा निकलता है वो सब मेरे सद्गुरु महामुनि अगस्त्य जी का है, ऐसा मानकर उसे प्रसाद रूप में स्वीकार करिए और मेरे अपराधों के लिए, मेरी गलतियों के लिए क्षमा करें। ओम काली आरती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारा भुज गे प्रहारा सदा वसंत मृदियारविंद भवं भवामि सहितं नमामि दंद दंद दर दंद दंद दर अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे आरती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खंबर वाली तेरे ही गुण गाए आरती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर मैया भीड़ पड़ी है भारी भीड़ पड़ी है भारी माँ भीड़ पड़ी है भारी दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी करके सिंह सवारी मैया करके सिंह सवारी सिंहो सीतू बलशाली दस भुजाओ आली सतियों के सत को सवारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। बड़ा ही निर्मल नाता बड़ा ही निर्मल नाता माँ बड़ा ही निर्मल नाता पूत का पूत सुने है परमा माता सुनी कुमाता माता सुनी कुमाता माँ माता सुनी कुमाता सब पे करुणा बरसाने वाली सबको हर्षाने वाली नैया भवर से तारती मैया सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे का जय हो जय दुर्गे खप्पर वाली जय हो तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती।
दौलत ना चांदी ना सोना मा, ना चांदी ना सोना मा, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, एक छोटा सा कोना, एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाजे बचाने वाली, सतियों के सते को सारती मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे का, जय हो खप्पर वाली, जय हो जय हो आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम कुज के त्योहार, सदा सत्यम तिरे आरते भवम भवामी सैतम नमामि। तमेव माता पिता तमेव, तमेव बंधु सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविडम तमेव, तमेव सर्वम तमेव। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वाद साधिके, शरण्य त्र्यंबके गौरे नारायणे नमोस्तुते। सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीताराम राम राम राजा राम 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 राजा राम राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम, सीताराम राम 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 राजा। एक बार दोनों हाथ उठा ले अपने पूरे पूरे दरबार में जितने भक्त खड़े हैं, दोनों हाथ उठाकर ताली सेवा करनी है। बजा दो बजा दो बजा दो काली माई की ताली, बजा दो काली माई की ताली, बजा दो काली माई की ताली, बजा दो काली माई की ताली। तुम्हारी किस्मत सवरने वाली, तुम्हारी किस्मत सवरने वाली, बजा दो उठा लो। जिन्होंने अभी तक नहीं हाथ उठाए वो दोनों हाथ उठाए और ताली सेवा करते हुए कहेंगे क्या, बजा दो बजा दो बजा दो काली माई की ताली, बजा दो काली माई की ताली, बजा दो काली माई की ताली, बजा दो काली माई की ताली। उदय भाई इधर आ जाए, कुछ महाराज श्री अपने वाहन तक प्रस्थान करेंगे। जय करो कल का मैया का, उठाइए बोलिता के दरबार की, बोलिए ओ करो, सभी की आवाज आना चाहिए, कहिए ओम कले ओम काली। पूज्य महाराज श्री अपने वाहन तक प्रस्थान कर रहे हैं। मैं एक बार पुनः हमारे अपने विधायक माननीय श्री रमेश मेंदोला मित्र मंडल की ओर से पूज्य महाराज श्री के चरणों में वंदन करता हूं। माननीय भाई मनोज पाटीदार जी कृपया जल्दी से आ जाएं। मनोज भाई बीच में जो बालक का योग कराना है, हमारे बीच एक योग की प्रस्तुति होने वाली है 5 मिनट के लिए कि